Hi dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss about membranes, diffusion and osmosis. आज हम झिल्लियां membranes के बारे में पढ़ेंगे, विसरण diffusion के बारे में और परासरण osmosis के बारे में. देखिए, हमें एक बड़ी important colligative property अणुसंघ गुण पढ़ना है, परासरण दाब osmotic pressure. तो ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब पढ़ने से पहले हमें परासरण ऑस्मोसिस जानना पड़ेगा. ऑस्मोसिस जानने के लिए हमें सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जानना पड़ता है, ठीक है ना. तो सारे छोटे छोटे टर्म्स हमें जानने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये वीडियो हम ला रहे खासतौर से अलग से, ठीक है ना. इसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उस पर हम आएंगे, ठीक है. तो पहले हम जाने मेम्ब्रेन क्या होती है, झिल्लियां किसे कहते हैं. देखिए, किसी ठोस या द्रव की एक पतली परत को हम झिल्ली कहते हैं. झिल्ली क्या होती है, किसी सॉलिड की या किसी लिक्विड की एक थिन लेयर, पतली परत झिल्ली मेम्ब्रेन कहलाती है. अ थिन लेयर ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इज कॉल्ड एज membrane. A thin layer of a solid or a gas is called as membrane. किस द्रव या ठोस की पतली परत झिल्ली कहलाती है. झिल्लियां दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की membranes होती हैं. एक होता है पारगम्य झिल्लियां, दूसरी होती हैं अर्ध पारगम्य झिल्लियां. पारगम्य झिल्लियां permeable membranes, अर्ध पारगम्य semi permeable membrane. पारगम्य जो एकदम परमिएबल हो, परमिट करे. किसको परमिट करे भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के अणुओं को. सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं, किसी भी विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक. अगर कोई ऐसी झिल्ली ले जो विलेय और विलायक दोनों के अणुओं को आर पार जाने देती है, इन द मेम्ब्रेन्स व्हिच अलाउ टू पास बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू इट. ऐसी झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन जो विलयन के दोनों घटकों सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक को आर पार जाने देती है, उसे कहते हैं पारगम्य झिल्ली. कोई बैरियर नहीं लगाती, सॉल्यूट भी जाए सॉल्वेंट भी जाए, दोनों को आर पार जाने देती है, विलेय और विलायक दोनों को भी. तो ऐसी झिल्लियों को हम कहते हैं पारगम्य झिल्लियां, परमिएबल मेम्ब्रेन्स. और अर्ध पारगम्य झिल्लियां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल को हम शॉर्ट फॉर्म में SPM से लिखते हैं. तो आगे हम बराबर जो है अक्सर SPM कह देंगे. तो SPM का मतलब क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है ना. सेमी परमिएबल मतलब आधा परमिएबल हो, आधा परमिट करे. किसको, सॉल्यूट पार्टिकल्स को ना परमिट करे, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को. यानी ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, विलेय के अणुओं को आर पार नहीं जाने देती है, केवल कौन जाए, सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल अलाउ ना करे. तो ऐसी झिल्लियों को हम अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहते हैं. द मेम्ब्रेन्स विच अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू इट, नॉट टू सॉल्यूट पार्टिकल. देखिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स विलेय के कण का आकार बड़ा होता है और विलायक के कणों का आकार छोटा होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी होती है. तो जितनी भी अर्ध पारगम्य झिल्लियां होती हैं वे विलायक के अणुओं को आर पार निकल जाने देती हैं, लेकिन विलेय के अणुओं को आर पार नहीं निकलने देती. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल केवल विलायक के अणुओं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देंगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं करने देंगी. तो यहाँ पे बात देखिए क्या है, कि जो परमिएबल मेम्ब्रेन्स पारगम्य झिल्लियां होती हैं, ऐसी झिल्लियां होती हैं इनके छिद्रों का आकार काफी बड़ा होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्लियों का आकार बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है इनके छिद्रों का, इनके पोर्स का आकार छोटा होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं क्रॉस कर पाएंगे. कौन क्रॉस कर पाएगा, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. अर्ध पारगम्य झिल्लियों का आकार, अर्ध पारगम्य झिल्लियों के छिद्रों का आकार काफी छोटा होता है, इससे केवल विलेय के अणु, विलायक के अणु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाएंगे, विलेय के कण सॉल्यूट पार्टिकल्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है. यानी यह झिल्लियां केवल किसको निकलने देंगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को.
यानी विलायक अणुओं को, विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देंगी, ठीक है ना। अब ये झिल्लियां दो प्रकार की होती है, अर्धपारगम झिल्लियां, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, दो टाइप की होती है, एक प्राकृतिक दूसरा कृत्रिम। नेचुरल सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, नेचुरल एसपीएम, आर्टिफिशियल एसपीएम। नेचुरल एसपीएम देखिए क्या है, जितनी भी हमारी जंतु और वनस्पतियों की झिल्लियां हैं, वेजिटेबल और एनिमल मेम्ब्रेन, जैसे बकरे का आमाशय, बकरे का जो आमाशय होता है पेट, उसके अंदर की झिल्ली, ठीक है ना, और किशमिश, अंगूर, ये सब होते हैं इनकी झिल्लियां। अंडे का जो कठोर कवच है, हार्ड शेल है, उसके अंदर एक सफेद पतली सी लेयर होती है, वो भी क्या है, एक अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है। तो ये सब झिल्लियां प्राकृतिक तौर पर नेचुरली अकरिंग होती है, उन्हें कहेंगे नेचुरल एसपीएम। एसपीएम है तो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स निकल पाएंगे, सोलूट नहीं निकल पाएगा, विलेय नहीं निकल पाएगा, विलेय इन छिद्रों के छिद्रों से निकल सकता है। आर्टिफिशियल एसपीएम ये प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से बनाई जाएंगी, आर्टिफिशियली इनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाएगा, ये आर्टिफिशियल सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होंगी। इसके देखिए जैसे क्या हुआ कि सेलोफेन होता है, सेलोफेन जो है सेलो से बना होता है, ये ऐसी अर्धपारगम झिल्ली। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉपर फेरो साइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली, कॉपर फेरो साइनाइड की जो अर्धपारगम झिल्ली है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी अर्धपारगम झिल्ली से सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो लगभग इतनी अच्छी होती है कि ये लगभग 150 वायुमंडल का दबाव प्रेशर सहन कर सकती है। तो आगे जब भी हम ऑस्मोसिस परासरण पढ़ेंगे तो इसी की अर्धपारगम झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है परासरण की क्रिया का अध्ययन करने में। ऑस्मोसिस को जानने के लिए कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली का ही प्रयोग करते हैं। तो अब देखो ये कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है, इसके लिए देखो एक पोरस पॉट होता है। पोरस पॉट मतलब एक ऐसा बर्तन लिया जाए कि जिसमें बहुत सारे छिद्र हों, उस बर्तन में काफी छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, उसे कहेंगे पोरस पॉट। उस बर्तन में हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं। अब इस कॉपर सल्फेट को यहाँ पे लिया गया सोल्यूशन को, ये पोरस पॉट है। अब इस पॉट को ऐसे बड़े बर्तन में रख देते हैं जिसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe(CN) का होल 6 इसका विलयन, इसका सोल्यूशन भरा होता है। अब यहाँ पे पोर्स हैं, तो अब ये सोल्यूशन एक दूसरे में मिक्सअप होना चाहिए, मिक्सिंग इनकी होनी चाहिए, क्योंकि पोर्स, अभी पोर्स से क्या होता है, कॉपर सल्फेट इधर आना चाहेगा और पोटेशियम फेरोसाइनाइड इधर जाना चाहेगा, क्रॉस पोर्स से होकर दोनों सोल्यूशन क्रॉस करना चाहेंगे। तो अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है, किसके किसके बीच में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन हो जाता है। तो उससे हमें बनता है, प्राप्त होता है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल 6। ये जो होता है ये अवक्षेप प्रेसिपिटेट के रूप में इन छिद्रों में, इन पोर्स में जमा हो जाता है, जो पोरस पॉट है उसके छिद्र हैं उसी में इस रिएक्शन के बाद कॉपर फेरोसाइनाइड अवक्षेपित प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है। अब इन छिद्रों में अवक्षेपित जो कॉपर फेरोसाइनाइड है, इन पोर्स में प्रेसिपिटेटेड कॉपर फेरोसाइनाइड यही अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। अब इस झिल्ली को बनने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है, ये पूरी रिएक्शन होने में, सब कुछ होने में, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को बनने में 10 से 12 घंटे का टाइम लग जाता है, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी सी अर्धपारगम झिल्ली एसपीएम होती है, 150 वायुमंडल का दबाव प्रेशर सहन कर सकती है, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये झेल सकती है। अब जानिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन लोअर क्लास से पढ़ते आए हैं, डिफ्यूजन क्या है, विसरण की प्रक्रिया। जैसे देखो अगर हम क्या करते हैं, इसको एग्जांपल से समझाते हैं, अगर हम क्या करते हैं इस कमरे में परफ्यूम की शीशी खोल दे एक कोने पर, तो उसकी सुगंध क्या होती, पूरे कमरे में फैल जाती है, कैसे, विसरण की प्रक्रिया, डिफ्यूजन की फिनोमिनन के द्वारा। इसी तरीके से अगर हम बड़ा सा बीकर लें, उसमें पानी भर दें और लाल दवा जैसे कहा जाए, लाल दवा का सूत्र क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको कहा जाता है लाल दवा, ठीक है ना।
ये ठोस होता है सॉलिड, इसको पानी में डाले तो धीरे धीरे इसके पार्टिकल पूरे पानी में फैलने लगते हैं, इसे कहते हैं इसका अभिसरण, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन जब होगा तो पूरा पानी धीरे धीरे लाल हो जाएगा। विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, किसी भी माध्यम में अगर विसरण होता है, जैसे गैसों को मिलाया जाए तो इसको विसरण डिफ्यूजन कहते हैं, लाल दवा पानी में डाली जाए तो विसरण डिफ्यूजन होने लगता है। डिफ्यूजन कब तक होगा? जब तक कि उस समांगी विलयन होमोजेनस मिक्सचर होमोजेनस सॉल्यूशन नहीं बन जाता। होमोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके सभी पार्ट का कंपोजिशन एक जैसा हो, उसमें यूनिफॉर्म तरीके से पूरा कंपोनेंट्स फैल जाए, वितरित हो जाए सॉल्यूट पार्टिकल। तो डिफ्यूजन को हम क्या कहेंगे कि अगर विलय और विलायक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को मिलाया जाए तो विलय और विलायक की वह प्रवृत्ति जिसके कारण विलयन की सांद्रता समान हो जाती है उसे हम विसरण डिफ्यूजन कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ऐसी टेंडेंसी कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को मिला दें और पूरे माध्यम में उसको देखें तो सारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाए, यही फिनोमिनन कहलाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखो समझने के लिए हमने यहाँ पे दो डायग्राम दिखाया हुआ है, ये परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन। ये परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जिसके छिद्रों का आकार बड़ा होगा उसे विलय और विलायक दोनों आर पार निकल सकते हैं। पारगम झिल्ली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? इसके पोर्स बड़े साइज के होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स को ही आने जाने के लिए अलाउ कर देती है। तो यहाँ पर हमने शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट लिया, इधर क्या लिया सॉल्यूशन, दोनों को अलग किससे कर रखा है? परमेबल मेम्ब्रेन पारगम झिल्ली से। इधर शुद्ध विलायक है तो विलायक एक अणु सॉल्वेंट पार्टिकल्स को हमने देखो ग्रीन कलर में दिखाया है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को हमने ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है। ये क्या होंगे? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाने लगेंगे, ठीक है ना। और इधर से क्या होंगे? सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, इधर तो सॉल्यूट है ही नहीं, ये प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन से किधर जाएंगे? प्योर सॉल्वेंट में। तो और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे? सॉल्यूशन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएंगे। यह फिनोमिनन कहलाती है डिफ्यूजन। इधर देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे हैं, सॉल्यूशन में भी तो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय के दो घटक होते हैं विलय और विलायक। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, विलय के कण सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में जा रहे हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे हैं। लेकिन यहां से बहुत सारे सॉल्वेंट पार्टिकल भी क्या होंगे जो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में भी जाएंगे, लेकिन वो फिनोमिनन दृष्टिगोचर विजिबल नहीं होगी क्योंकि ज्यादा नेट फ्लो की कौन सा दिखाई देगा? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में ज्यादा जाएंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में बहुत कम जाएंगे, वो ज्यादा दिखाई पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक ये क्या हो गया डिफ्यूजन। ऐसे डायल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाए, दोनों के बीच में लगा दी जाए परमेबल मेम्ब्रेन। तो परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है? परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ये डायल्यूट सॉल्यूशन इधर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्रॉस होने नहीं दोनों को क्रॉस होने देगी। तो डायल्यूट सॉल्यूशन से क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएंगे और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे और तनु विलयन में डायल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे। देखो तनु विलयन और ये सांद्र विलयन, डायल्यूट सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स कम क्योंकि ये तनु विलयन है, ठीक है ना। डायल्यूट सॉल्यूशन है तो इसमें विलय के कण कम होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे। इधर सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसमें विलय के कण सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, इसमें सॉल्वेंट विलायक अधिक होगा, इसमें विलायक कम होगा, सॉल्वेंट कम होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स इधर से इधर और इधर से इधर जाएंगे, ज्यादा किधर जाएंगे? कम, अधिक से कम की ओर। सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट किधर होगा? अधिक से कम की ओर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कभी भी डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन में एक बात याद रखेंगे हमेशा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं।
विलय के कण विसरण की प्रक्रिया में विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो विसरण में क्या होगा? विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। इधर देखो तनु विलयन, इधर सांद्र विलयन है। इसमें देखो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, तनु विलयन डायल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स विलय के कण कम है। तो अब इनका प्रवाह किधर से किधर होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के सोल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट किधर से होगी? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कब तक होगी? जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता है, दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वलाइज नहीं हो जाएंगी, एक होमोजेनस मिक्सचर नहीं बन जाएगा, तब तक चलता रहता है। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर जाएंगे? डायल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, या प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। तो आई होप डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन में एक मेन पॉइंट याद रखेंगे कि विसरण की प्रक्रिया में विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं ज्यादा, ये नेट फ्लो होगा। तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स लोअर डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, जाएंगे लेकिन वो पता नहीं चलेगा, बहुत कम जाएंगे। और ज्यादा कौन से जाते हैं? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जाते हैं। ठीक है, अब डिफ्यूजन के बाद हम ऑस्मोसिस समझ लेते हैं। देखिए ऑस्मोसिस, इसको हिंदी में परासरण कहते हैं। ग्रीक भाषा में ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? पुश, ढकेलना, टू पुश। ठीक है ना, अब परासरण समझने के लिए, ऑस्मोसिस समझने के लिए हम क्या करें? एक अर्ध पारगम झिल्ली लें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, जो केवल किसको अलाउ करेगी जाने के लिए? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, विलायक के कणों को, सॉल्यूट पार्टिकल्स विलय के कणों को जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी। एक तरफ प्योर सॉल्वेंट, दूसरी तरफ सॉल्यूशन, या एक तरफ डायल्यूट सॉल्यूशन, दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा? अब एक फिनोमिनन होगी कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा, यानी विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह होगा। किधर? विलायक से विलयन में, या तनु विलयन से सांद्र विलयन में। यहां पे एक स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा, किधर? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, या डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। अब बीच में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी, इधर डायल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है। सांद्र विलयन में विलय के कण अधिक है, और तनु विलयन डायल्यूट सॉल्यूशन में विलय के कण सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है। अच्छा, तो अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, वो तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को ना तो इधर से इधर, ना इधर से इधर जाने ही नहीं देगी। किसको केवल अलाउ करेगी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर से किधर फॉलो करेगा? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, यानी शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, विलायक के अणुओं का प्रवाह होगा, या तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह होगा। यानी स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर से किधर होगा? डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में। तो परासरण की क्रिया में क्या होगा? विलायक के अणुओं का कुल स्वतः प्रवाह होगा, किधर? शुद्ध विलायक से विलयन में, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तो ऑस्मोसिस क्या है? स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, किधर से किधर? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, या डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। सॉल्यूट पार्टिकल्स तो SPM से क्रॉस ही नहीं होने पाते, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है, चेक कर दिया जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो परासरण की क्रिया क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर, ध्यान से सुनिएगा, अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कुल स्वतः प्रवाह, स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो, किधर? शुद्ध विलायक से विलयन में, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। यह क्रिया कहलाती है परासरण, ऑस्मोसिस, स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और अथवा और फ्रॉम डायल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा? विलायक के और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएंगे, या विलायक के और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब देखो विलायक केणु शुद्ध विलायक से विलयन में जाएंगे या तनु विलयन से सांद्र विलयन में जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में नहीं जाएंगे या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डायल्यूट सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, जाएंगे लेकिन बहुत ही ज्यादा कम जाएंगे, इतने कम जाएंगे कि उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, बहुत कम विजिबल होगा। तो यही वजह है कि जब परासरण की क्रिया ऑस्मोसिस की फिनोमिनन होती है तो प्योर सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विलायक के अणु किधर जाएंगे, शुद्ध विलायक से विलयन, जैसे जैसे जाएंगे तो यह जो लेवल होगा इसका ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। अब तनु विलयन से सांद्र विलयन, डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विलायक के अणु जाएंगे, तो जैसे जैसे जाएंगे तो इसका लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ता जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, विलायक के अणुओं के स्वतः प्रवाह की वजह से, कुल स्वतः प्रवाह की। देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में जा रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, और उधर से क्या हो रहा है, कम आ रहे हैं, इधर से अधिक जा रहे हैं, इधर से कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। तो कुल प्रवाह कौन सा, नेट फ्लो कौन सा दिखाई देगा, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में या डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो दिखेगा, विजिबल होगा, उधर से उधर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस के बारे में हमने बताया, अब अगर डायल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं, बीच में एसवीएम लगा रहे हैं, तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होगी, यानी इधर से इधर होगी, डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगी। इसका मतलब क्या होगा, विलायक के अणुओं का अपने आप प्रवाह होगा इधर से इधर, तनु से सांद्र की ओर या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर। और डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, सॉल्यूट पार्टिकल्स किधर से जा रहे थे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब देखिए जो ऑस्मोसिस होती है वो दो टाइप की होती है, एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस, वाय परासरण और अंतः परासरण। देखो घरों में चना वगैरह भिगोते होंगे पानी में, तो चना क्या होता है, फूल जाता है, किशमिश को पानी में डालते हैं किशमिश फूल जाती है। तो ये सब फिनोमिनन किसकी वजह से है, परासरण ऑस्मोसिस की वजह से, यानी हम अपने डे टू डे लाइफ में दैनिक जीवन में भी परासरण की क्रिया, विसरण की क्रिया, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ऑस्मोसिस दो टाइप का, एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस क्या है कि अगर अर्ध पारगम झिल्ली विलायक के अणुओं को बाहर जाने देती है, व्हेन एसपीएम सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन परमिट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट, तो इसको बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। अगर एसपीएम अर्ध पारगम झिल्ली विलायक अणुओं को बाहर से अंदर आने देती है तो इसको बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस या एंडो ऑस्मोसिस, या ओ भी लगा सकते हैं, ओ भी एक्सो ऑस्मोसिस या एंडो ऑस्मोसिस भी कर सकते हैं। यानी अगर विलायक के कण सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर से बाहर चले जाएं तो ये एक्स ऑस्मोसिस, बाहर से अंदर आ जाए तो एंड ऑस्मोसिस। जैसे छिलका उतरा हुआ अंडा लिए अगर हम देखोगे, अंडा खाए भी होंगे बहुत लोग, ठीक है, तो इसमें कवच बाहर होता है, हार्ड कवच। अंडे को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दें तो उसका ऊपर वाला कवच हार्ड शेल हट जाता, अंदर क्या बचता है, एक थिन लेयर, एक पतली परत बचती है, ठीक है, वो अर्ध पारगम झिल्ली एसपीएम का काम करेगी। ऐसे दो अंडे लें, इसका छिलका हम उतार दें, एक अंडे को किसमें रख दो, एक अंडे को हम जल में रख दें प्योर वाटर में, और दूसरे को हम नमक के गाढ़े घोल में रख दें, नमक के संतृप्त विलयन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में रख दें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एग मटेरियल से ज्यादा हो। ये क्या हो गया, एग मटेरियल, ठीक है, एग मटेरियल, एग को छिलका उतरे हुए अंडे को जब पानी में डाला गया, पानी में डाला गया तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे अंडा जो है फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। नमक के गाढ़े घोल में अगर अंडे को डालेंगे, छिलका उतरे हुए अंडे को, कुछ देर के बाद क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, बस उसमें वही एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस की फिनोमिनन। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अंडे को पानी में डाला गया तो अंडा क्या होता है, उसकी नॉर्मल साइज पहले ये थी, ये ब्लू कलर में हमने मार्क किया, ये नॉर्मल साइज थी। अब जो एग मटेरियल है इसके बाहर क्या मौजूद है, पानी। एग जो अंडा है छिलका उतरा हुआ, उसका जो पतला लेयर है सफेद सा, वो किसका काम करेगा, अर्ध पारगम झिल्ली एसपीएम का। तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस परासरण की क्रिया होगी। परासरण की क्रिया में क्या होता है, विलायक के अणु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं किधर, शुद्ध विलायक से विलयन में। तो बाहर क्या, शुद्ध विलायक कौन सा, वाटर। अब इसके कण कहां जाएंगे, पानी के, ये एग मटेरियल में, ठीक है।
अंडे का जो विलय उसकी सांद्रता अधिक है, बाहर की सांद्रता कम, पानी उधर विलायक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, पराशरण की क्रिया होगी, तो अब पानी के कण यानी एग क्या नाम है वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, शुद्ध विलायक से कहां आएंगे विलयन में, तो धीरे धीरे अंडा फूल जाएगा। ऐसे इसमें नमक का गाढ़ा घोल है, उसकी सांद्रता अधिक, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और एग मैटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अब यहाँ क्या होगा, अंडे के अंदर से विलायक के कण यानी वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर चले जाएंगे, यानी कौन सी क्रिया होगी, एक्सऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सऑस्मोसिस, तो अंडा सिकुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंडऑस्मोसिस हो रहा है, तो अंडा फूल जा रहा है। ऐसे अगर अंगूर को यहाँ डाल दोगे, अंगूर नमक के गाढ़े घोल में, तो अंगूर की जो परत होती है वो भी अर्धपारगम झिल्ली का काम करेगी, स्टीएम का, तो धीरे धीरे अंगूर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। पानी में डालने पर क्या होगा, एंडऑस्मोसिस होगी, अंगूर फूल जाएगा। किशमिश को डालो, किशमिश फूल जाएगी। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हमने देखा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लें कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, परमीएबल मेम्ब्रेन लग सकती है या किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा, एसपीएम अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत होती है। डिफ्यूजन क्या है, एक बायलैटरल फिनोमिनन है, इसमें शुद्ध विलायक जैसे क्या होता है, विलायक और विलेय के कण, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करते हैं, ये बायलैटरल फिनोमिनन डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है, इसमें क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स को एसपीएम रोक देती है, नहीं जाने देती है, लेकिन किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली जाने देती है, तरु से सांद्र की ओर या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एसपीएम में, ये डिफ्यूजन में, विसरण में, सॉल्यूट पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं, विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, और विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जाने नहीं पाते हैं, लेकिन विलायक के कण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स शुद्ध विलायक से विलयन में जाते हैं या तरु विलयन से सांद्र विलयन में जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएंगे। डिफ्यूजन सॉल्यूशंस में भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, सब में हो सकता है डिफ्यूजन, लेकिन ऑस्मोसिस केवल लिक्विड सॉल्यूशन में होगा, गैस सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं हो सकती, ठीक है ना। और डिफ्यूजन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ना ही रोक सकते, एक बार डिफ्यूजन शुरू हो गया तो वो होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक कि होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बन जाता है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं हो जाता है। लेकिन ऑस्मोसिस क्या, उसको हम रोक सकते कभी भी, बस सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन हटाना पड़ेगा, या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स करेंगे, जैसे यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, यहाँ पर हम पिस्टन के द्वारा प्रेशर डाले, तो विलायक के अणु जा रहे थे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, जब पिस्टन से दबाव प्रेशर डालेंगे, अब विलायक के अणु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में जाने लगेंगे, प्रोसेस उलट जाएगी, ऑस्मोसिस की क्रिया अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, इसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, इधर तरु विलयन इधर सांद्र विलयन, यहां पर हम क्या करें, पिस्टन से दबाव डालें सॉल्यूशन में, तो अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में गए हुए हैं, विलायक के अणु तरु से सांद्र की ओर गए हैं, जब पिस्टन से दबाव डालेंगे तो यहां से विलायक के अणु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से किधर जाएंगे, डायल्यूटेड सॉल्यूशन में, यानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं या उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन को ना तो रोक सकते हैं और ना ही रिवर्स कर सकते हैं। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कुछ डिफरेंस भी हो गया। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।